ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप आर्टिकल 370 जिसके साथ कश्मीर में जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया उसको निरस्त करके उसका क्या असर है। जब हमने लोगों से ये सवाल पूछा कि क्या इससे कश्मीर का स्थायी हल हो जाएगा, 58% लोग कह रहे थे कि हाँ हो जाएगा, जबकि 26% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं इससे उसका हल नहीं निकलेगा। ये आंकड़ा आप कह सकते हैं सरकार के फैसले के पक्ष में जाता हुआ, क्योंकि 58% लोग ये मान रहे हैं कि धारा 370 का खत्म होना कश्मीर समस्या के स्थायी हल की तरफ एक ठोस कदम है, जबकि 26% कह रहे थे कि नहीं इससे हल नहीं निकलेगा। और जिस दौरान ये सर्वे हुआ है उस दौरान आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 370 सबसे गर्म मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था देश का, खास तौर पर जम्मू कश्मीर से लेकर अलग अलग जगहों पर जहां पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा था। जो अगला सवाल हमने पूछा, राज्य की बिना सहमति के जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना संघीय ढांचे पर प्रहार है। सुधांशु त्रिवेदी जी, 50% मुझे पता है आप कहेंगे कि गवर्नर्स रूल था और इसीलिए गवर्नर ने उसकी हामी भर दी, लेकिन इसी बीच विपक्ष का यह आरोप है कि विधानसभा उसका अस्तित्व क्या, क्योंकि वहीं पर रियल रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं लोगों का होता है, प्रतिनिधित्व आम आदमी का वहीं पर होता है। चलिए जो अगला सवाल हमने पूछा वो भी जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है, घाटी को सामान्य बनाने के लिए इंटरनेट और नेताओं का हाउस अरेस्ट जरूरी है। जब हमने ये सवाल लोगों से पूछा तो 46% लोग कह रहे थे हाँ और 33% कह रहे थे नहीं। सुधांशु जी बहुत रात की सांस ले रहे होंगे कि इस पे ज्यादा कोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सुधांशु जी पूरा एकदम वैसे आपके आंकड़े में एक बड़ी मजेदार बात है, ये अगेंस्ट वाला कांस्टेंट 26% है हर उसमें, तो थोड़ा ये सैंपल के जो कॉन्फ़िगरेशन को भी देखिए, मतलब पूरी तरह से आपके पक्ष में आ जाता तो सब ठीक होता। ठीक है, होना है किसी मुद्दे पे 26 सिर्फ दो है, देखिए इसमें 22 है, एक में 33 था, एक में 21 था, पता नहीं 26 आपका, इन दोनों में आप कह रहे हैं, इन दोनों में कह रहे हैं जो कश्मीर के लोग हैं क्या उनकी राय है कि धारा 370 हटाने को लेकर कश्मीर के लोग क्या कहते हैं। वहाँ पर जो सर्वे का हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे थे शुरू में, उसमें जम्मू कश्मीर शामिल, मेरे हिसाब से अगर वो मैप हमारे पास है जो हमने सैंपल साइज का दिखाया था तमाम राज्यों का, तो एक बार दिखा दें, क्योंकि आशुतोष जी ने ये सवाल खड़ा किया है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि हमने दिखाया था पूरी हिंदी पट्टी जो है और दक्षिण के भी कई राज्य हैं, मध्य भारत पूरा हमारे इस सर्वे में कवर हुआ है, लेकिन ये जो धारा 370 के खत्म होने से कश्मीर के स्थायी हल का हिस्सा हो जाएगा, ये सर्वे का वक्त जो पूरा सैंपल साइज है इसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। ठीक है, आप ये भी तस्वीर लोगों के सामने है, तो इससे भी एक तरह से उस सवाल पर हम पहुंचते हैं कि क्या संघीय ढांचे पर प्रहार है अगर वहां के लोगों की राय उसमें शामिल नहीं की जा सकी गई है। घाटी को सामान्य बनाने के लिए इंटरनेट और नेताओं के मुद्दे पर आपने देख ही लिया लोगों की क्या राय है, 46% कह रहे हैं कि हाँ ये जरूरी था।